सनातनी हिंदू धर्म में आज भी ब्राह्मण जाति को सबसे पूजनीय माना गया है। वो सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊंचे दर्जे पर है। किसी भी विधि विधान के लिए सनातन धर्म में ब्राह्मण का होना अनिवार्य माना गया है। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ब्राह्मण होने की अहमियत को समझिए और परखिए कि आप जिसे असली ब्राह्मण मानकर पूजा पाठ और विधि विधान करा रहे हैं वो असली ब्राह्मण है भी कि नहीं। असली ब्राह्मण की पहचान करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि असली ब्राह्मण से ही प्राणी मात्र को मोक्ष मिलता है। प्राचीन काल में कोई भी आदमी ब्राह्मण बन जाता था, चाहे वो किसी भी जात या बिरादरी का हो। तो आइए शास्त्रों के मुताबिक असली ब्राह्मण को पहचाने। स्मृति पुराणों में 8 तरह के ब्राह्मणों का जिक्र है। मात्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 तरह के ब्राह्मण हैं। इसके अलावा वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। मात्र ब्राह्मण के बारे में पुराण कहता है कि ये जाति से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म से नहीं, इसलिए उन्हें मात्र कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। स्मृति पुराण के मुताबिक ईश्वरवादी, वेदपाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ है वो ही असली और सच्चे ब्राह्मण है। पुराण के अनुसार जो कोई भी मनुष्य वेद की एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण होता है। वेदों और वेदांगों का मर्मज्ञ, आपरहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ क्षत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले विद्वान को अनुचान ब्राह्मण माना गया है। अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में रहने वाले इंद्रिय संयमित व्यक्ति को भ्रूण ब्राह्मण कहा गया है। सभी वेदों, स्मृतियों और लौकिक विषयों का ज्ञान हासिल कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी को पुराण ऋषिकल्प ब्राह्मण मानता है। सम्यक आहार, विहार, संशय, संदेह से परे रहने वाले ब्रह्मचारी को ऋषि ब्राह्मण माना गया है क्योंकि उनका श्राप और अनुग्रह यानी वरदान दोनों ही फलित होते हैं। स्मृति पुराण कहता है कि जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ध्याननिष्ठ, जितेंद्रिय और सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता ऋषियों के लिए किया गया था। फिर प्रत्येक वेद को समझने के लिए ग्रंथ लिखे गए, उन्हें ब्राह्मण साहित्य कहा गया। ब्राह्मण का तब तक किसी जाति या समाज से वास्ता नहीं था। समाज बनने के बाद ब्राह्मणों में सरयूपारिण, कानिकुब्ज, जिजौतिया, मैथिल, मराठी, बंगाली, भार्गव, कश्मीरी, सनाढ्य, गौड़, महाबामन और भी कई तरह के ब्राह्मण बन गए। मिसाल के तौर पर एक वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को पाठक, 2 वेद पढ़ने वाले को द्विवेदी या दुबे, 3 वेद को पढ़ने वाले को त्रिवेदी, त्रिपाठी या तिवारी कहा जाता है, 4 वेदों को पढ़ने वाले चतुर्वेदी और चौबे कहलाए, यजुर्वेद पढ़ने वाले शुक्ल या शुक्ला कहलाए, 4 वेदों, पुराणों और उपनिषदों के ज्ञाता को पंडित कहा गया जो आगे चलकर पांडे, पंडिया और उपाध्याय हो गए। शास्त्र धारण करने वाले या शास्त्र करने वाले शास्त्री के तौर पर जाने जाने लगे। इनके अलावा प्रसिद्ध ऋषियों के वंशजों ने अपने ऋषिकुल या गोत्र के नाम को ही उपनाम की तरह अपना लिया। भृगुकुल के परशुराम के वंशज भार्गव कहलाए। इसी तरह से गौतम, अग्निहोत्री, गर्ग, भारद्वाज ब्राह्मण मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।